सरप्राइज चेकिंग से कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप, सच्चाई जान लोग हुए हतप्रद। चतरा, उस वक्त व्यवहार न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया जब दो युवक हथियार लेकर व्यवहार न्यायालय में घुसने का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट के मुख्य गेट पर तैनात पुलिस पदाधिकारी व जवानों ने हथियार के साथ दोनों युवकों को पकड़ा, साथ ही थप्पड़ भी जड़ दिया। हथियार के साथ दो युवक की गिरफ्तारी की खबर कोर्ट परिसर के अलावा शहर में आग की तरह फैल गया। लोग देवघर में हुए घटना पर चर्चा करने लगे, लेकिन सच्चाई जानने के बाद लोग हतप्रभ हो गए। दरअसल देवघर कोर्ट परिसर में दिनदहाड़े कैदी को गोली मारकर हत्याकांड की घटना के बाद एहतियातन पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने किसी को कुछ बताए बगैर व्यवहार न्यायालय परिसर के सुरक्षा का जायजा लेने का निर्णय लिया, जिसके बाद सिविल ड्रेस में नकली हथियार के साथ दो सहायक पुलिस को कोर्ट में तैनात पुलिस पदाधिकारी व जवानों को चकमा देकर अंदर घुसने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोनों सहायक पुलिस कोर्ट पहुंचे और अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिस पदाधिकारी व जवानों ने दोनों को पकड़ लिया, जिससे पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। इसके बाद युवकों ने अपना परिचय दिया, लेकिन कोई नहीं सुना। दोनों को पकड़कर सदर थाना ले आई, जिसके बाद पूरे मामले में एसपी को हस्तक्षेप करना पड़ा, साथ ही दोनों सहायक पुलिस को रिहा किया गया। एसपी ने कोर्ट ड्यूटी में तैनात पुलिस पदाधिकारी व जवानों को पुरस्कृत करने की बात कही। इस तरह सच्चाई जानने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों ने इस तरह से सुरक्षा जांचने पर पुलिस अधीक्षक को सराहा है।